अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली का 14वां महाधिवेशन एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी 16, 17 एवं 18 दिसंबर को मिथिला विश्वविद्यालय के परिसर अवस्थित जुबली हॉल में प्रारंभ हुआ। इससे पूर्व संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो संस्कृत विश्वविद्यालय प्रांगण होते हुए मिथिला विश्वविद्यालय प्रांगण का भ्रमण करते हुए जुबली हॉल पहुँचा। वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद भवानी शंकर होटा के द्वारा महासंघ का झंडोत्तोलन किया गया एवं स्थापना काल 1967 से अभी तक के फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति एसपी सिंह, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति शशिनाथ झा के द्वारा एवं आगत अतिथियों के करकमलों से संयुक्त रूप से किया गया। वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम का प्रारंभ दीप जलाकर किया गया। आगत अतिथियों को पाग, चादर, शॉल एवं मेमेंटो देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें कही। वहीं कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव ने दी जानकारी। वहीं कुलपति ने भी अपने संबोधन में कर्मचारी के संबंध में दी जानकारी। इस अवसर पर दोनों विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी एवं कई नेतागण उपस्थित थे। स्वागत गीत विद्यालय के छात्र के द्वारा स्वागत गीत एवं दीप जलाकर कार्यक्रम का हुआ विधिवत शुरुआत। इस अवसर पर आगत अतिथियों को पाग, चादर एवं मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर आगत अतिथियों ने क्या कहा, वहीं प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव ने क्या कहा, सुनिए। वहीं इस अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शंकर सिंह भी उपस्थित थे। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। शंकर प्रसाद सिंह जी अध्यक्ष मिथिला विश्वविद्यालय से आग्रह है कि आकर के हमारे राष्ट्रीय महासचिव एमएस तंजन साहब का चादर पुष्प गुच्छ दे करके स्वागत करें। शंकर प्रसाद सिंह जी सर सामने सामने हमारा जो कार्यक्रम है, 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 16, 17, 18 दिसंबर 2022, इसमें राष्ट्रीय महाधिवेशन है। इस महाधिवेशन और राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय सेमिनार है, नई शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्रीय सेमिनार भी है। हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो खामियां हैं बहुत सारी, उसमें कहा गया कि 6% GDP जो है सरकार का वो खर्च होना चाहिए शिक्षा का, लेकिन वैसे नहीं हो रहा है।
हम चाहते हैं कि और इसमें मैट्रिकुलेशन में जो बोर्ड हटा दिया इससे छात्रों के प्रति स्पर्धा जो है कम हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि इन सब कारणों को देखते हुए हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम है, पूरे देश के लोग आए हुए हैं और सारे लोग जो है मिल करके हम लोग इस पर निर्णय लेंगे। उस पर कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन है, कर्मचारियों की अस्थायी कर्मचारी की जो बहाली हो रही है उस पर रोक लगाए, जो भी बहाली रिक्त पद है उस पर अस्थायी बहाली करे। इन सब मुद्दों को एज पैसे पर पूरे भारत में एक समान वेतनमान यूनिवर्सिटी कर्मचारियों में शिक्षक के समान लागू हो, इन सब मुद्दों को लेकर करके हमारे यहाँ जो है सो एक कार्यक्रम चल रहा है। हमारा भी एक कार्यक्रम है, इसमें परसों अंतिम दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की गठन भी जिसमें लोग चुन करके आएंगे, फिर नई ऊर्जावान के तहत काम करेंगे। हम लोग जो है सो इस कार्यक्रम को में बहुत सारे जो मुद्दा है उस पर चर्चा होगी, हमारे 3 साल का जो कार्यकाल है सेक्रेटरी जनरल का उस पर भी परिचर्चा होगी। इसी उद्घाटन सत्र के बाद रिपोर्ट पेश होगी, उस रिपोर्ट पेश होने के बाद सारा जो है मुद्दे पर काम होंगे। हम लोग इस काम को जो है देश में जो है कर्मचारियों की समस्या जितनी है और हम लोग मिलजुल करके शिक्षक कर्मचारी मिल करके इस समस्या का समाधान करने के लिए आज का ये पूरे देश स्तर पर है, यहाँ जो पारित होगी वो शिक्षा जगत के लिए एक महान जो है सो योजना पारित होगी जिसमें कर्मचारियों के लिए पूरे देश में जो है लंबित इतनी मांगे हैं, जो समस्या है उस पर विस्तार से परिचर्चा होगी। क्या नाम हुआ? शंकर यादव, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ। राष्ट्रीय अधिवेशन जो 3 दिन का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी संगठन ने आयोजित करने का जिम्मा लिया है, उस अधिवेशन में एक विषय रखा गया है जिस पर चर्चा संगठन के द्वारा की जाएगी। उसके अलावा संगठन के और जो कार्य होंगे वो सारे कार्य 3 दिनों में संपादित किए जाएंगे। मेरी मंगल कामना है संगठन अपने इस अधिवेशन के उद्देश्यों में पूरी तरह सफल हो, जो कुछ भी योजना संगठन की है वो योजना कार्य रूप ले सके। आपकी जो भी चीजें हैं जो आज के समय में है, जो आने वाले समय में आप उम्मीद करते हैं आपको चाहिए, उन सब के प्रति मेरी शुभकामना मंगल कामना कि आप अपने उद्देश्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने आप में एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, अपने आप में एक बड़ी योजना है जो पूरे देश के शिक्षा के चरित्र को बदलने की सामर्थ्य है। शिक्षा का जो स्वरूप पूरे देश में चल रहा है, सभी प्रदेशों में चल रहा है, उसमें आमूल परिवर्तन स्ट्रक्चरल चेंज तक की बातें उसमें मौजूद है। स्ट्रक्चर भी बदलेगा, शिक्षा का विषय वस्तु भी बदलेगा, पाठ्यक्रम की दिशा भी बदलेगा। जो पाठ्यक्रम हम करते रहे स्किल ओरिएंटेड टारगेट की तरफ है, वोकेशनल टारगेट की तरफ है, हर व्यक्ति के श्रेष्ठता को प्रमाणित करने का जिसका अपना उद्देश्य है, उस नीति की हम सराहना करते हैं। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ का 14वां अधिवेशन है। हर 3 साल में पूरे देश भर में जितने विश्वविद्यालय कर्मचारी हैं उनका प्रतिनिधि इस अधिवेशन में भाग लेते हैं और हमारा जो ताकत है वो है कि पूरे देश भर में एक ही संगठन है, इसका कोई समांतराल संगठन नहीं है और 210 यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं, काफ़ी प्रतिनिधि आ चुके हैं, बाकी लोग आ भी रहे हैं। तो हम लोग जो ये संगठन चलाए हैं, ये संगठन में विश्वविद्यालय के जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज गैर शिक्षक कर्मचारी उनके लिए यूनिफॉर्म पे स्केल समान वेतन जैसे अध्यापकों को दिया जाता है EUC प्रेस्क्राइब करे और केंद्र सरकार उसका फैसला करे, इसके चलते ये एक मुख्य डिमांड है। और उसके बाद में विश्वविद्यालय संस्थाओं का जो सीनेट है, सिंडिकेट है या कहीं पर गवर्निंग बॉडी है, कहीं पर काउंसिल है, तो वहाँ पर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व हो
और व्यापक स्तर में विश्वविद्यालयों का गणतंत्रीकरण हो, उसमें जैसे कि टीचर्स का भी भाग होना चाहिए, छात्रों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये सब ये। उसके बाद में शायद आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 6% ऑफ द GDP 6% GDP का शिक्षा के लिए आवंटित करना अभी ये नई शिक्षा नीति में है। लेकिन इसलिए आश्चर्य होगा आपको कि ये 56 में कोठारी कमीशन जब गठन हुआ था तब भी ये पहले डिमांड था, उसका JP नायक मेंबर सेक्रेटरी थे, काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंट था वो, लेकिन पिछले 65-70 साल में वो नहीं हुआ। बाद में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तब एक नई शिक्षा नीति हुआ था, उसमें भी इसका जिक्र किया गया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। उसके बाद में 2004 में जब UPA का सरकार बनी तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आया था, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में भी ये लिखा था कि यूनिफॉर्म आपका 6% GDP होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। और आप सब लोग जानते हैं कि 2020 में जो पास हुआ नई शिक्षा नीति, जिसके ऊपर चर्चा अभी चल रहा है, चलेगा, तो हमने उसको बारीकी से उसको पढ़ा, देखा। नैनीताल में हम लोगों का हुआ था, उत्तराखंड में, इसके ऊपर, केवल इसी के ऊपर, तो देखा कि वो शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय वो एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ, बेसरकारी संस्थाओं की तरफ हैंडओवर करने का उसको एक प्रावधान इसमें किया गया है, इस नई शिक्षा नीति में। हाँ, शिक्षा नीति इसमें काफ़ी ऐसा चीज़ है।